Good day, students. My name is Abhishek Mishra, and today I am going to teach you Social Studies, Chapter 1 of Class 3rd. The name of the chapter is The Sun and Its Family, means Sun, Suraj, or Iska Parivar. In this chapter, we are going to learn about the Sun and the Solar System, about the planets, stars, and satellites, means hum Suraj ke bare mein, apne Solar System ke bare mein, grahon ke bare mein, taro ke bare mein, aur satellites ke bare mein padhenge. Okay, so during the day we can see the bright sun in the blue sky. दिन के समय में हम खुले आसमान में चमकता हुआ सूरज देख सकते हैं. Okay, on a dark and clear night we can see numerous shining stars and the moon. एक अंधेरी रात और साफ रात जहाँ पे बादल नहीं हों हम बहुत सारे तारे और चांद देख सकते हैं. Okay, मतलब दिन के समय में हम सूरज और रात के समय में तारे और चांद देख सकते हैं जबकि जब क्लियर है आसमान. ओके, सो फर्स्ट इज सोलर सिस्टम. ओके, मतलब सौरमंडल. आई एम गोइंग टू रीड इट. आवर यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज, मतलब हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. अ गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. एक गैलेक्सी जो होती है वो कलेक्शंस ऑफ स्टार्स, तारों के और ग्रहों के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं. आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे और आकाशगंगा. जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे या आकाशगंगा कहा जाता है. ओके, आवर सोलर सिस्टम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक छोटा सा पार्ट है इस गैलेक्सी का. हमारे जैसे ही बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं जो इस आकाशगंगा गैलेक्सी के पार्ट हैं. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सूरज है और 8 ग्रह हैं. ओके, द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. जो सूरज है वो हमारे सोलर सिस्टम के मध्य में, मतलब सेंटर में है, और बाकी सारे ग्रह जो हैं उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. जो सूरज है वो गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है. ओके, इट इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विद इट्स ओन हीट एंड लाइट. जो सूरज है वो एकमात्र ऐसी बॉडी है, एकमात्र ऐसी चीज है जिसके पास अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट है, जो अपने आप में ही प्रोड्यूस करती है हीट और लाइट को. ओके, द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वेनस एंड नेपच्यून. ओके, हमारी सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं ये इनके नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वेनस एंड नेपच्यून. मर्करी इज द स्मॉलेस्ट, मर्करी सबसे छोटा है, एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूरज सेंटर में रहता है, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे नज़दीक है सूरज के. वेयर एज नेपच्यून इज़ द फार्दस्ट फ्रॉम द सन, नेपच्यून सबसे दूर का है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू स्टार्स. वी सी मैनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट. हम रात को बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं ट्विंकल करते हुए, मतलब चमकते हुए. अ स्टार इज़ अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस विद हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन. जैसे कि सूरज के पास अपनी खुद की लाइट और हीट है, वैसे ही सारे स्टार्स में खुद की लाइट और हीट होती है और वो जलते रहते हैं बर्निंग गैसेस की वजह से. ओके, द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सूरज भी एक तारा ही है. ओके, वेन वी लुक अप एट अ क्लियर नाइट स्काई, जब हम रात को एक क्लियर नाइट है, बादल नहीं है, ऊपर देखते हैं, वी नोटिस ग्रुप ऑफ स्टार्स इन डिफरेंट पैटर्न्स. हम देखते होंगे कि बहुत सारे तारे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाते रहते हैं. आपको कोई तारे देख के लगता होगा कि ये कुछ बन रहा है, ये कुछ बन रहा है. ओके, दीज क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. ये जो समूह होता है तारों का, जिनको देख के आपको लगता है कि ये कोई आकृति बना रहा है, ठीक है, कोई पैटर्न बना रहा है, इन तारों के समूह को कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं. ठीक है, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इज हाइड्रा.
जो सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रा, द वाटर स्नेक। यू सी, जो तारे दिखते रहते हैं उनमें एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। अपनी गैलेक्सी में जो अपन हम लोग सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन देखते हैं वो हाइड्रा है, उसको एक वाटर स्नेक बोला जाता है। ओके, द अदर सम अदर कॉन्स्टेलेशन आर उसरा मेजर, उसरा माइनर एंड ओरियन। कुछ दूसरे भी टाइप के कॉन्स्टिलेशन जो हैं उनको उसरा मेजर, उसरा माइनर एंड ओरियन के नाम से जाना जाता है। आप पिक में देख रहे होंगे, उसरा मेजर जो है ये आप जहाँ पे पॉइंटर चल रहा है वहाँ पे उसरा मेजर देख सकते हैं, और ओरियन को आप उसके जस्ट बगल में देख सकते हैं। ओके, नाउ वी गो बैक एंड सम की टर्म्स। गैलेक्सी, गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। जैसा कि मैंने बताया, जो स्टार्स और प्लैनेट का कलेक्शन होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। हमारे केस में जो हमारी गैलेक्सी है उसमें सन स्टार का काम करता है और हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, कॉन्स्टिलेशन अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डिफिनिट पैटर्न। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन जो होते हैं कुछ स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, अपनी गैलेक्सी में सबसे बड़ा जो है वो है हाइड्रा, अ वाटर स्नेक, उसके बाद ओरियन करके भी एक कॉन्स्टिलेशन है। ओके, रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, नाउ वी मूव टू आवर सोलर सिस्टम। यू सी, हेयर इज द सन जो कि सेंटर में है। ओके, अब यहाँ पे आपको प्लैनेट्स दिखाए हुए हैं और उनके बारे में बताया हुआ। ठीक है, तो सो आई एम गोइंग टू रीड इट। फर्स्ट इज मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी जो है वो सूरज से सबसे नज़दीक का सन ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है अपने सोलर सिस्टम में। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज टू कम्प्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, ये सेंटर में सूरज है और जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह एक ऑर्बिट पे सूरज के अराउंड में घूमते रहते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ओके, तो इनको ऑर्बिट बोलते हैं। और मरकरी जो है वो 88 डेज में अपना एक पूरा राउंड लगाता है सूरज का, बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन। ओके, फिर से मैं सम अप करता हूँ। मरकरी जो है वो सबसे नज़दीक का प्लैनेट है सन के, और ये सबसे छोटा प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का, और ये 88 डेज में सूरज का एक पूरा राउंड लेता है। ओके, सेकेंड इज वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है अपने सोलर सिस्टम में। इट लुक्स लाइक्स अ ब्राइट स्टार इन द स्काई। ये एक तारे की तरह आसमान में चमकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग एंड मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। ओके, ये सुबह का तारा और शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि सबसे नज़दीक है, सेकेंड नंबर पे नज़दीक है और थोड़ा बड़ा है मर्क्यूरी से, इसलिए काफ़ी हॉट रहता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू सम अप अगेन। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में, और ये एक तारे की तरह आसमान में चमकता रहता है, इसलिए ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की तरह नाम से भी जाना जाता है, और ये अपने सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स जो है वो सन से फोर्थ नंबर पे है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेड अपीयरेंस। ठीक है, जो मंगल ग्रह है वो चौथे नंबर पे है सूरज से। ठीक है, प्लैनेट्स के क्रम नंबर्स में, और ये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है बिकॉज जब हम इसको देखते हैं तो ये रेड अपीयर होता है अपने अपीयरेंस में। ओके, बाय द वे आई मिस दिस अर्थ, अर्थ को पहले मुझे बोलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो अपना ग्रह धरती है जिसपे हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, एंड इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। आपको पता होगा कि 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में धरती केवल पहला ऐसा ग्रह है जिसपे लाइफ है, बाकी किसी ग्रह पे लाइफ की खोज अभी तक नहीं हुई है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लैनेट ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। इसे
नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा वाटर है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर तरफ नीला नीला दिख रहा होगा, दैट इज़ वाटर, एंड थोड़ा बहुत जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है दैट इज़ लैंड। ओके, इट टेक्स ऑलमोस्ट 365 डेज टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड सन। धरती को सूरज के चारों तरफ घूमने में 365 डेज लगते हैं, जो कि अपने ईयर के सम के भी बराबर है, मतलब साल में 364 डेज रहते हैं, बट इट टेक्स 365 डेज। ओके, नीचे चलते हैं। जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, जुपिटर जो है वो अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, जुपिटर टेक्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जुपिटर को सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लेने में 12 साल लगते हैं। ओके, द ग्रेट रेड स्पॉट विच इज अ स्पिनिंग स्टॉर्म इज वन ऑफ इट्स फेमस फीचर। ठीक है, इस पे अगर हम टेलीस्कोप से देखना शुरू करते हैं तो उस पे एक बहुत ही रेड, बड़ा रेड स्पॉट दिखता है। ठीक है, जो कि स्पिनिंग स्टॉर्म को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं सैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पिनिंग स्टॉर्म को दिखाता है, इसकी वजह से ये बहुत फेमस है। ठीक है, फिर से जुपिटर के बारे में बताते हैं। जुपिटर अपने सोलर प्लैनेट का सबसे लार्जेस्ट है। जुपिटर टेक्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, मतलब इसको 12 साल लगते हैं पूरे एक चक्कर काटने में सूरज के। ठीक है, द ग्रेट रेड स्पॉट, इस पे एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है जो कि स्पिनिंग स्टॉर्म की तरह है, इसका मेन फीचर है जिसकी वजह से ये पहचाना जाता है। ठीक है, देन कम्स सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न जो है वो अपने सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स। आप देख सकते होंगे कि इसके किनारे किनारे रिंग्स बनी हुई हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और ये आइस, डस्ट और स्टॉर्म से, आइस, डस्ट एंड रॉक से बनी हुई हैं। ओके, तो सैटर्न अपने सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स बनी हुई हैं जो कि बनी हुई हैं आइस, डस्ट एंड रॉक से। ओके, देन वी कम टू द यूरेनस। यूरेनस इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ आइसी मटेरियल्स, ये बर्फीले तत्वों से बना हुआ है। इट हैज़ फेंट रिंग्स, इसमें जो रिंग्स हैं वो धुंधली सी हैं, वो आपको दिखती नहीं ढंग से। ओके, सो यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है, ये बर्फीले तत्वों से बना हुआ है और इसकी जो फेंट रिंग है, धुंधली रिंग्स हैं जो कि आपको दिख नहीं रही हैं। नेपच्यून, नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे ठंडा प्लैनेट है नेपच्यून जो है अपने सोलर सिस्टम का। लाइक यूरेनस, इट्स द मोस्टली मेड अप ऑफ आइसी मटेरियल। यूरेनस भी जो था ये भी ठंडा रहता है, बट ये जैसे कि नेपच्यून की दूरी और ज़्यादा है सूरज से, तो ये सबसे ठंडा प्लैनेट है, और यूरेनस की तरह ही ये भी बर्फीले तत्वों से बना हुआ है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ये ऐसा प्लैनेट है जो कि अपन हम लोग नेकेड आई से, मतलब बिना किसी टेलीस्कोप के या बिना किसी इक्विपमेंट के नहीं देख सकते हैं। ओके, मूविंग डाउन, हेयर इज अ क्वेश्चन, यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये इमेज दिख रही होगी। ओके, आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबको पता है कि दिस इज सन, क्योंकि सन इज द ओनली प्लैनेट विच हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट। ओके, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज द क्वेश्चन। सो सन सेंटर ऑफ अपनी सोलर सिस्टम के है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सन देर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं जिसको, जो कि इस सोलर सिस्टम को एक जगह पे बांध के रखता है, सारे प्लैनेट्स को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखता है और उनको अपने अराउंड रिवॉल्व करने को, उनको अपने अराउंड अपने चारों तरफ घूमने को मजबूर करता है। सो दिस इज़ द की पार्ट, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम जो है अपना वो एक फिक्स जगह पर रहता है। एंड बिकॉज ऑफ द सन ओनली, जो हम अपनी धरती पे हैं, धरती पे लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो सन की वजह से है, क्योंकि हीट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है लाइट की, लाइफ की। लाइट इज़ ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, जो कि हमें सन से ही मिलती है। ओके, नोट डैट डाउन इन योर कॉपीज, एंड नाउ वी आर मूविंग टू प्लैनेट्स। वी ऑलरेडी लर्न दैट देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमने पहले से ही पढ़ लिया कि हमारे पास सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं।
ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक फिक्स, एक निश्चित पाथ पे घूमते हैं, निश्चित रास्ते पे घूमते हैं, उनको ऑर्बिट बोलते हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स में खुद की कोई लाइट नहीं होती है. दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ओके, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको सन की इंपॉर्टेंस के टाइम पे बताया कि सूरज की वजह से ही धरती पे जीवन का अस्तित्व है, क्योंकि किसी भी ग्रह को लाइट और हीट दोनों ही चाहिए होती हैं जीवन यापन करने के लिए. ओके, सो नाउ अबाउट अर्थ. द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ जो है अपना अपने सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है. इट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ. ये एक इकलौता ग्रह है अपने सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है. ओके, ओके, आवर यूनिवर्स. आपको यहाँ पे एक सैटेलाइट्स के बारे में पहले बताया जाएगा. सैटेलाइट्स, जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. जैसे कि सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, एक सैटेलाइट अपने ग्रह के चारों तरफ घूमता है. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. चांद जो है वो अपने ग्रह धरती का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, इट इज अर्थ्स नियरेस्ट नेबर. ये अर्थ के सबसे नज़दीक में पड़ने वाला है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए इसे नेचुरल सैटेलाइट बोला जाता है. द मून और एनी अदर नेचुरल सैटेलाइट डज नॉट गिव लाइट ऑफ इट्स ओन. मून या कोई भी दूसरा नेचुरल सैटेलाइट अपनी लाइट नहीं दे सकता, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती. द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. जब भी चांद चमकता है वो इस वजह से चमकता है क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ओके, इट ये सन की लाइट को ऑब्जर्व करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से ये चमकता है. यू सी, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ये सन अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है. ओके, आवर यूनिवर्स इज अ वेरी वास्ट स्पेस. अपना जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है. साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड एंड सेंट मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस टू स्टडी. जो अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए हैं और उनको ग्रह में भेजा है टू स्टडी, पढ़ने के लिए, और इंफॉर्मेशन एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स. और अपना जो यूनिवर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी पाने के लिए, क्योंकि अपना यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो सबको जिज्ञासा है कि जितना हम जानते हैं उससे आगे क्या हो सकता है, या जितना हम जानते हैं उससे आगे लाइफ कुछ है या नहीं है. तो साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द यूनिवर्स बट देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू बी डिस्कवर्ड. आज हम बहुत कुछ जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, बट बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हमें जानना बाकी है, वो हम सैटेलाइट्स के थ्रू ही करते हैं. डिड यू नो द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर हैज 79 नोन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. ओके, अपना जो लार्जेस्ट प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, उसके पास 79 नोन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड, मतलब 79 जो हम जानते हैं वो उसके, जैसे धरती के चारों तरफ चांद घूमता रहता है, चांद उसका मून अपना आर्टिफिशियल अपना नेचुरल सैटेलाइट है, वैसे ही जुपिटर के चारों तरफ 79 मून्स घूम रहे हैं जो कि हमें पता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? ओके, फीचर्स टेबल्स ऑफ द प्लैनेट. फीचर्स, प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन मरकरी. ग्रह जो सूरज के सबसे नज़दीक है मरकरी. प्लैनेट फार्दस्ट फ्रॉम द सन, सबसे दूर है जो सूरज के, नेपच्यून. हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वीनस. सबसे गर्म जो है वो वीनस हो गया. कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नेपच्यून. सबसे ठंडा जो है वो नेपच्यून हो गया. ओके, की टर्म्स. ऑर्बिट, पाथ अलॉन्ग विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज ऑर्बिट. मतलब ऑर्बिट की डिफिनीशन ये हुई कि एक रास्ता जिस पे ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं. सैटेलाइट, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट विद नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मतलब सैटेलाइट का मतलब ये हुआ एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है अपनी खुद की लाइट के बिना. मतलब जैसे चांद है वो अपने धरती के चारों तरफ घूमता है बट उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो उसको सैटेलाइट बोलते हैं. ओके, रिफ्लेक्ट्स
थ्रो बैक हीट और लाइट, ओके, मतलब रिफ्लेक्शन करना, मतलब जैसे किसी सूरज है उसकी लाइट को उस चांद के सतह पे पड़ती है और उसको वो वापस फेंक देता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम इंसानों ने बनाई है, ओके। रिकैप करते हैं, ओके, अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, जैसा कि मैंने बताया गैलेक्सी का मतलब होता है बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट का कलेक्शन, ओके। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे और या आकाशगंगा बोलते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स, जो अपना सोलर सिस्टम है उस पर सूरज और 8 ग्रह हैं, ओके। स्टार इज अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज विद हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन, जितने सारे तारे हैं वो हॉट गर्निंग जलती हुई गैसों का एक गोला है जिनमें खुद की लाइट और गर्मी होती है। अ क्लस्टर ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ओरायन, बहुत सारे तारों का एक समूह कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, एग्जाम्पल के लिए ओरियन, ओके। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, ग्रहों की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चांद जो है वो धरती का सैटेलाइट है। तो ये रिकैप पॉइंट्स जो हैं आप इनको याद रखेंगे क्योंकि ये अपने अभी तक जो हमने पढ़ा उसका सम अप है, ठीक है, ओके। वी कम टू द एक्सरसाइज। ए, आइडेंटिफाई दीज प्लैनेट्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ओके। तो जो पहला यहाँ पे सब लिखे हुए हैं बट मैं इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ये जो पहला प्लैनेट है, पहले प्लैनेट में बहुत सारा ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं और थोड़े बहुत ग्रीन पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लू पॉइंट्स जो हैं वो वाटर को इंडिकेट करते हैं और ग्रीन पॉइंट्स जो हैं वो लैंड को इंडिकेट करते हैं, तो ये अर्थ है, ओके। दिस इज जुपिटर, ठीक है, जुपिटर के बारे में मैंने जैसा बताया था इस पे बहुत से रेड पैचेस रहेंगे और ये हमको विजुअल रहता है, ठीक है, इसलिए ये जुपिटर है। दिस इज सैटर्न, आपको पुराने जब मैं पढ़ा रहा था पिक में मैंने दिखाया था, इमेजेस में मैंने दिखाया था कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स बनी रहती हैं विच इज मेड ऑफ आइस डस्ट एंड स्टोन्स, तो ये सैटर्न है, ईजी टू रिकलेक्ट, ओके। ओके, कम टू पॉइंट बी, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप एक्सरसाइज ए जो थी आप इसको अपने बुक में ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे, ओके, देन बी पे आएंगे, इन सब चीज़ों को भी आप अपनी नोटबुक में, नोटबुक के अलावा अपनी कॉपीज में भी एज अ होमवर्क नोट करेंगे, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ये गलत हैं या सही हैं। पहला है द सन इज अ प्लैनेट, गलत, क्योंकि सन एक स्टार है, उसमें खुद की हीट एंड लाइट होती है, ओके। सेकेंड, प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स की खुद की लाइट होती है, ये भी गलत है क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके। थर्ड इज देयर आर 10 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, गलत है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अपने सोलर सिस्टम में एक सन और 8 प्लैनेट्स हैं, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, राइट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अपने साइंटिस्ट स्पेस में अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजते रहते हैं टू गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नेपच्यून इज द फार्दस्ट फ्रॉम द सन, ट्रू, नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है जो कि नेकेड आई से देखना मुश्किल रहता है। आप ये पॉइंट बी को भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे, ओके। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज सन, ओके, मतलब सन क्या है, ओके। नेम द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू दीज क्वेश्चन, मैं आपको इन क्वेश्चंस को बताऊंगा और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें लिखा हुआ है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे, आप एज अ होमवर्क इन सारे क्वेश्चंस को आंसर ढूंढेंगे और अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज सन, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सन इज अ स्टार विद इट्स ओन हीट एंड लाइट, ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो आप इतना लिखेंगे, सन इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम विच हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, ओके। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, इसी तरीके आप तीनों पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स ऊपर की लाइंस में ढूंढेंगे और खुद से लिखेंगे। नेम द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, आपको सोलर सिस्टम के आठों प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आठों प्लैनेट्स के नेम लिखे हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आप इनको अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन के आगे नोट करेंगे। ओके, डिफाइंस कॉन्स्टिलेशन, गिव एन एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ओरियन। आप इतना लिखेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है? मतलब ग्रहों, तारों का एक समूह कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, उसका उदाहरण है ओरियन। हाउ डज मून गेट्स इट्स लाइट्स? एज आई टोल्ड यू गाइज, मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है। मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम सन एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट। ओके, आई शो यू। हेयर इट इज रिटन द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ लाइट ऑफ द सन। ओके, आप ये लाइन लिखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में, अपनी कॉपीज में, और इसको याद करेंगे। वॉट इज एन ऑर्बिट? ओके, आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो। ऑर्बिट मीन्स अ पाथ अलॉन्ग विच द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मतलब वो रास्ता जिसपे अब कोई भी ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमता है। तो मैंने आपको पांचों क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। ओके, थिंक द आंसर, डिस्कस विद योर टीचर वॉट वुड हैपन इफ द प्लैनेट स्टॉप्स मूविंग अराउंड द सन। ओके, दिस वी विल डिस्कस व्हेन द स्कूल इज ओपन, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट व्हेन अ प्लैनेट, एक ग्रह जो होता है वो सूरज के चारों ओर घूमता है, तो उस घूमने में वो कभी उसके पास रहता है, कभी उससे दूर जाता है। उस दौरान, जिस दौरान वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, अब हम सपोज हम अपनी धरती की बात करते हैं जिस पे जीवन है, तो जब सूरज के सबसे नज़दीक में रहता है तब गर्मियाँ रहती हैं, जब सूरज से दूर जाता है तब ठंडियाँ होती हैं, तो उससे मौसम बदलते हैं। ओके, इसी तरीके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि जिनकी इम्पोर्टेंस है सूरज के चारों तरफ घूमने में। ओके, एंड दिस विल डिस्कस व्हेन स्कूल इज ओपन। ओके, नाउ दिस कम्स टू द हार्ड वर्ड्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, क्लस्टर, कॉन्सिलेशंस, पाथ, ऑर्बिट, सैटेलाइट, साइंटिस्ट, नेचुरल एंड डिस्कवर्ड। आप ये सारे वर्ड्स अपने कॉपी में लिखेंगे और इनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, अब नीचे आइए। डिफाइन द टर्म्स, गैलेक्सी, ये जितने भी वर्ड्स लिखे जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, आप इनको अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क नोट करेंगे। ओके, अ गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। जैसा कि मैंने बताया था, गैलेक्सी स्टार्स, तारों का और ग्रहों का एक समूह है। कॉन्स्टिलेशंस, अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डिफिनेट पैटर्न। तो कॉन्स्टिलेशन जो होता है तारों का एक समूह होता है एक निश्चित पैटर्न बनाने के लिए। ऑर्बिट, एंड ऑर्बिट इज अ पाथ अलॉन्ग विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑर्बिट जो होता है वो एक निश्चित रास्ता होता है जिसपे कोई भी ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमता है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दीज आर ऑल्सो यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक एज अ होमवर्क। वॉट इज सन? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज, इट इज ऑल्सो स्टार। सूरज जो है वो गर्म गैसों का एक बड़ा गोला है, इसे ये एक तारा भी है। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सन, ये सन की डिफिनीशन है, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। नेम द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, द एट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स आर, मतलब सोलर सिस्टम के आठ प्लैनेट्स के नाम हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड नेपच्यून। ये सभी डिस्टेंस की जितनी जितनी दूरी पे, जो सबसे पहले और जो सबसे लास्ट में है, उस क्रम में लिखे हुए हैं। तो आप इसको इसी क्रम में याद करेंगे और अपनी कॉपी में होमवर्क की तरह लिखेंगे। हाउ डज द मून गेट्स इट लाइट, मून को अपनी लाइट कैसे मिलती है? द मून शाइन्स बिकॉज इट्स सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून चमकता है क्योंकि ये जो सन से लाइट आती है उसको अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, अपने सरफेस से बाहर की तरफ फेंकता है। ओके, सो दिस वॉज द ऑल, यू नीड टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर कॉपी एज अ होमवर्क। आपको अपने ये सब अपनी कॉपी में लिखना है एज अ होमवर्क और याद करना है। ओके, थैंक यू गाइज़।